सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। मैंने अभी ये जस्ट स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ करना है अभी आगे। कल जब मैं क्लास 12th का सेशन ले रहा था, कल लेक्चर नंबर 4, तो उसमें मेरे को रिक्वेस्ट आया कि KCET के लिए भी थोड़ा क्लासेस लो, KCET 2021 के लिए, 2021 के लिए क्लासेस लो, थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वो सब शेयर करो। तो फिर मैंने रात को सोचा, मैंने क्लास में भी बताया था मैं सोचूंगा इसके बारे में करके, तो मैंने जब क्लास में सोचा तो हाँ लगा कि हाँ कर सकते हैं भाई, क्या हो सक ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। मैं जितना भी पढ़ाऊँगा थोड़ा तो हेल्प होगा मैं, क्योंकि अभी आपका जो होने KCET पहले जो डेट था वो बता देता हूँ मैं आपको। KCET जो पहले डेट था वो जून 7 था, ठीक है, जून 7 2021 था। बाद में ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ, इसलिए KCET ने नया डेट बताया है अगस्त 28 एंड 29, 2 दिन रहता है KCET आपको पता है, 2021, ठीक है। तो ये जो डेट है आपका KCET का डेट आ चुका है, ये डेट पे आपका एग्जाम होने लगा। आई होप सबने फॉर्म वगैरह भर दिया होगा, फॉर्म्स वगैरह सबने करेक्टली सब कर लिया होगा अपना, जो भी अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब मेडिकल में जाना है तो PCM, और अगर क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग करना है तो PCB, सॉरी ये इंजीनियरिंग के लिए, और ये PCB मेडिकल वालों के लिए, इंजीनियरिंग और ये मेडिकल वालों के लिए आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। और एक और ऑप्शन रहता है जिसको लाइक चारों सब्जेक्ट देना रहता है, PCM भी, तो उनके लिए आप सबने आई होप फॉर्म भर दिया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आपके पास टाइम कितना बचा है? टाइम आज डेट है 7th ऑफ जून, ठीक है, 7th ऑफ जून, मतलब यहाँ से अभी पकड़ के चलो 20 प्लस 1 2 2 महीना, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स 20 डेज अप्रॉक्स, इतना आपके पास टाइम है अभी, ठीक है। मतलब अभी कैसे जून में 21 डेज बचे आपके पास, फिर बाद में जून जुलाई में 31 डेज है, और जून जुलाई अगस्त में आपके पास है 27 डेज, तो 9 5 7 79 डेज आपके पास है, ठीक है। 79 डेज इज गुड इनफ टाइम अगर आपने 11th और 12th का आपका जो बेसिक्स वगैरह है पूरा स्ट्रांग है, ठीक है। आपका अगर ये 11th और 12th का पूरा बेसिक स्ट्रांग है, और ऐसा नहीं है कि आपको ये 79 डेज में सिर्फ मैं जो अभी फिजिक्स करूँगा, क्योंकि KCET का मैं सिर्फ फिजिक्स करा सकता हूँ, तो मैं फिजिक्स इतना ही करूँगा, तो फिजिक्स की इतना ही आपको करना नहीं है, उसके साथ आपको आपका केमिस्ट्री और मैथ्स भी आपको क्या बोलते हैं मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे तो सिर्फ क्या बोलते हैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं रोज क्लासेस लूंगा KCET का और रोज आपको पढ़ा पाऊंगा। हफ्ते में लाइक मुश्किल से 3 क्लास, और संडे को जो क्लास होगा वो 3 घंटे का ले सकता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखते हैं आपको अभी इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट, 3 थिंग्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 3 थिंग्स, फर्स्ट तो NCERT, ये NCERT इज लाइक बेस फॉर अ बिल्डिंग। बिल्डिंग जैसे बेस के बिना नहीं बन सकता है, वैसे आपका KCET NCERT के बिना क्रैक नहीं हो सकता, ये चीज दिमाग में रख लो। अब अगर बोलते हो कि मैं नहीं NCERT नहीं करूंगा, मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर लगा के चला जाऊंगा और मैं क्रैक कर लूंगा, तो भाई आप जो बोल रहे हो वो आपको ही समझ में आ रहा है कि नहीं आप बोल रहे हो वो देख लो, ठीक है। तो NCERT इज अ थिंग विच कैन मेक यू टू क्रैक दिस एग्जाम फॉर द रैंक विच यू वॉन्ट, ठीक है। तो NCERT सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आता है आप क्वेश्चन कितने लगाते हो, ठीक है।
तो क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे? क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बैंक आप कहाँ से भी लो, कहाँ अगर आप कहीं पे कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो वो चीज़ है। प्लस एक अरिहंत का बुक आता है, ठीक है, अरिहंत का प्रीवियस ईयर बुक है, वो एक ले लो। वो नहीं ले सकते अभी, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक, कोई ना, अरिहंत का एक बुक आता है, उसका पीडीएफ में हो सके तो पिन कर दूंगा, ये बुक का पीडीएफ में ग्रुप इसमें डिस्क्रिप्शन में हो सके तो पिन कर दूंगा। ये प्रीवियस ईयर का आता है, ठीक है, PYQs का आता है, ये हो सके तो कहीं से मैनेज कर लो। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का भी मैं कैसे बताऊं, क्योंकि सबको एक ही रेफरेंस बुक समझ में नहीं आता है। कोई लोग बॉस को बोलेंगे, कोई अरिहंत का हैंडबुक आता है जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं, वो बोलेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सी चीज़ें लेना प्रेफर करते हो, तो वो आप देख लो आपको जो अच्छा लगता है। एक रेफरेंस बुक, ये कहीं से एक मैनेज कर लो। ये मोस्ट प्रोबेबली आप अगर KCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए आई थिंक। तो ये एक बुक कहीं से मैनेज कर लो। ये तीन चीज़ें हैं ना, आपको इस पर है उस पर की मोड़ पे लाके खड़ा कर सकता है। तो पहले तो NCERT लो, रीडिंग मारो चाहिए तो एक, सिर्फ जस्ट रीडिंग दो, ऊपर ऊपर से जितना भी कॉन्सेप्ट है सब लिख के लो एक जगह पे। जैसे रीडिंग करते जाओगे ना, आपको जो जो वर्ड्स ऐसा लगे कि हाँ भाई ये मतलब मेरे को इसका मतलब नहीं पता है, तो वो चीज़ को लिख के लो और उसको बाद में समझो। ये चीज़ आप एक हफ्ता कर सकते हो, हर एक एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम एक टू टू डेज लगता है, तो उसके लिए आप कैलकुलेट करके थोड़ा देख लो, ठीक है। अब बोलते हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी बचे हुए 79 डेज के लिए। अभी पहले तो आप 11th का करो, क्योंकि 11th का जो मेरे को पता है 11th का पोर्शन जो रहता है ज़्यादा रहता है, 11th का पोर्शन जो है CET में ज़्यादा आता है व्हेन कंपेयर टू 12th का। यहाँ जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ये चीज़ होती है, ठीक है, ये अप्रोक्सली 55% तक रहता है, ये 45 के अप्रोक्स इतना परसेंटेज इसका आता है, इतना परसेंटेज इसके क्वेश्चन रहते हैं इसका। मैं ये नहीं हूँ ये डॉट है इतना, मतलब मैंने बता दिया, मतलब इतना ही आता है, ऊपर नीचे रहता है, पर 11th का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी आपको 79 डेज बचे हैं, आपको मैथ्स भी करना है, आपको फिजिक्स भी करना है, आपको केमिस्ट्री भी करना है, और कोई मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको बायो करना है, ठीक है, उसको मैथ्स नहीं करना। मैथ्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और मैथ्स ना मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ NCERT का हर एक क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर, NCERT का एक एग्जाम्पलर आता है, ये कर लो, ये ही करो बस चलेगा, ये प्लस PYQ कर लो मैथ्स के लिए। अब मेरे को केमिस्ट्री मेरे को पहले से ही पसंद नहीं, तो मैं केमिस्ट्री का कुछ बोलूंगा ही नहीं, मेरे को कुछ पता भी नहीं केमिस्ट्री का कैसे करोगे, उसके लिए आप देखो कहीं से मैनेज हो सकता है। तो बात करते हैं फिजिक्स, फिजिक्स के लिए कैसे करेंगे, लाइक आप एक दिन लो, और मेरे को लगता है, और अभी सब कुछ छोड़ दो, आपको मिनिमम 10 आवर्स पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, CET में रैंक अच्छा लाना है, डेली 10 आवर्स मिनिमम, 8 to 10 आवर्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है। इतना नहीं करोगे तो शायद ही हो पाएगा भाई CET, क्योंकि आपका अभी बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं है जिससे आपका CET का रैंकिंग थोड़ा अच्छा आ जाए उसमें, क्योंकि कुमुलेटिव मार्किंग रहती थी हमारा, 12th का परसेंटेज कितना है और वो CET का मार्क्स कितना है उसका मिला के हमको रिजल्ट मिलता था। अभी वैसा नहीं होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ CET में आप जितना CET में सही टिक करके आ रहे हो वो है, वही आपका फाइनल रिजल्ट देगा। तो फर्स्ट एक चैप्टर को आप एक दिन लो या फिर 1.5 दिन लो, 1.5, ठीक है, 1.5 डे लो, इसका सिर्फ रीडिंग करो, ठीक है, ये रीडिंग करो स्टार्टिंग फ्रॉम 11th का। 11th का फर्स्ट चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड, वो बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। तो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट कर देना। फर्स्ट चैप्टर में आपको चीज़ें लाइक वो जो 7 फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और बाद में उसमें और एक चीज है, नोबेल प्राइज का है शायद, वो तो नहीं पूछेंगे, बस रीडिंग करो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग करो, फिर बचा हुआ जो आधा दिन है ना उसमें आपने अभी रीडिंग किया है, तो इसमें जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको समझते समझते आपको रीडिंग करना है। लाइक पढ़ रहे हो बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है आपको पता नहीं है, तो उसको ब्रीफली समझना है, ब्रीफली ठीक है, क्योंकि आगे उसको मैं क्लास में पूरा अच्छे से बताऊंगा। तो ऐसे ही आपको रोज एक 1.5 डे में एक चैप्टर करना है बचे हुए आधे दिन में, और आप 8 से 10 घंटा करोगे ना तो शायद आपकी हाफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन में एक चैप्टर का रीडिंग इज इजी, सिर्फ एनसीईआरटी करना है ठीक है। और बाद में लास्ट में बुलेट पॉइंट्स रहते हैं, हर एक एनसीईआरटी के लास्ट में समरी करके बुलेट पॉइंट्स दिया रहता है, वो पहले पढ़ो फिर बाद में चैप्टर में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या है, तो वो पढ़ के फिर बाद में पूरा चैप्टर स्टार्ट करना, पढ़ो फिर बाद में मैं जब क्लास लूंगा, मैं इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसको 30 मिनट्स में, जितने टॉपिक्स है उसको 30 मिनट्स में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आपको जैसे मैं 12th का पढ़ा रहा हूँ अभी वैसा पढ़ा नहीं सकता, इसमें हर एक पॉइंट धीरे 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 पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं चलेगा, मैं 30 मिनट्स में हर एक पॉइंट कवर करूंगा, फिर बचा हुआ 30 मिनट्स जो रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स कितना सॉल्व करते हो ना उतना अच्छा है। तो अभी नेक्स्ट डाउट आएगा आपका, चलो भाई आपने बुक भी पढ़ लिया, हमने बुलेट पॉइंट्स भी पढ़ लिए, हमने टॉपिक्स जितने कवर करने थे वो भी कर लिए, नेक्स्ट चीज आती है हम फॉर्मूला याद कैसे रखें। फॉर्मूला याद कैसे रखना है, आप रट्टा मारते बैठोगे ना तो कुछ नहीं होगा, रट्टा मारना ही नहीं, आपका फॉर्मूला ना आपके फिंगर टिप पे रहना चाहिए, जैसे किसी ने जी बोले हाँ जी इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होने जी इक्वल टू m1 m2 / r², ये बोल दिया फट से, जितना जो भी फॉर्मूला आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया, लिप्स पे रहना चाहिए आपको, इतना आपको प्रैक्टिस करना है ठीक है। जैसे कोई भी कुछ भी फॉर्मूला पूछा आपके फिंगर टिप पे रहना चाहिए, आपको लिख देना है ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके का क्या पूछो, r0 r = r0 a^3, फिंगर टिप पर रहना चाहिए ठीक है। जैसे कोई भी फॉर्मूला आया ठीक है ऐसे हो ठीक है, इतना करना है आपको, पहले तो फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से रटे हुए रहेंगे, रटा नहीं है मतलब फिंगर टिप पर, फिंगर टिप पे कैसे रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो क्वेश्चन, क्योंकि आपका फॉर्मूला फॉर्मूला तभी याद होगा जब आप किसी चीज को बार बार लिखोगे। अभी अगर मैं f = 1/4 πε₀₀ q1 q2 / r² को बार बार लिखूंगा, मतलब कोई फॉर्मूला इसमें यूज करूंगा, तो मेरे को जाहिर सी बात है वो याद ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने बार उसको यूज किया है अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में वगैरह। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना एक टॉपिक को, जैसे अभी मैंने बताया एक 1.5 डे आपने ये किया, बचा हुआ आधा दिन और अगले का एक दिन आपको उस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 1.5 डेज, वो कहाँ से करना है मैंने पहले बताया था कि अरियंत का क्वेश्चन बैंक, और ये क्वेश्चन बैंक अरियंत का, और रेफरेंस बुक में, रेफरेंस बुक में से आपको ना वो जो आपने 1.5 आवर्स में जो रीडिंग किया है उसके टॉपिक्स का आपको डेफिनेशन मिलेगा क्लियर वर्ड्स में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो ठीक है। बाद में अभी न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन बैंक और PYQ का अरियंत का जो बुक है वो लेना है, बचा हुआ अभी 3 दिन, मतलब आपको क्या लग रहा है 3 दिन लग रहा है एक टॉपिक के लिए, एक चैप्टर के लिए ठीक है, 3 डेज लग रहे हैं। उसमें आपने क्या किया 1.5 डे में उसका रीडिंग किया, कहाँ कहाँ से किया, एक एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस है ठीक है, ये करना है आपको, हर एक पॉइंट क्या बोलते हैं समझ में आया रहना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को जाना ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे और क्या करो पता है, 1.5 डे में आपने जितने किए ना, जैसे कोई टॉपिक में ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट से न्यूमेरिकल होस्ट बन सकता है, कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला आता है ना, तो एनसीईआरटी में हर एक फॉर्मूला के लिए एक ना एक तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो देख के, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है ठीक है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है,
बचे हुए आधे दिन में इस जितने टॉपिक्स हैं ना उसमें सॉल्व एग्जांपल सबको फॉर्मूला क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बात करते हैं बचे हुए 1.5 दिन की, ठीक है, क्योंकि 3 दिन में हमारा 1.5 उधर गया, अब 1.5 हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये कहाँ से करना है आपको, ये आपको करना है क्वेश्चन बैंक और अरिहंत की बुक से, अरिहंत के PYQ से, ठीक है। इतना करो हर एक चैप्टर के लिए, तो 1.5 डे अभी आपने 3 दिन जो दिए ना ये लगातार आपको एक चैप्टर के लिए देना है, फिर बाद में उसको स्विच करो। 1.5 डे में मतलब आप पूरा 8 घंटे एक ही चीज मत पढ़ना प्लीज। जैसे अभी मैंने 8 से 10 घंटा बोला है, तो मिनिमम 4 घंटा ये चैप्टर को दो, फिजिक्स के एक चैप्टर को, फिर अगले दिन उसी दिन 4 घंटा मैथ्स के एक टॉपिक को दो, ठीक है, एक चैप्टर को दो, ऐसे करके कैसे तो मैनेज करके 3 दिन के अंदर ना, लाइक फिजिक्स का आधा मैथ्स का आधा बोल के एक चैप्टर हो गया आपका, वैसे करो। और सिलेबस जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कवर करो, न्यूमेरिकल्स कितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि CET में मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। और मैंने कल के क्लास में आपको बताया था नोट्स कैसे बनाना है, और नोट्स प्लीज़ वैसे बनाना शुरू कर दो। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। CET के लिए आपको ऑल द बेस्ट। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।